великой победы. Ура! नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिकन सैंक्शंस की। देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड रखने के लिए तैयार नहीं था, यानी मिलिटरली अमेरिका फाइट करने की स्थिति में नहीं है, तो उसने अपने इकोनॉमिक सैंक्शंस को इस्तेमाल किया। ये एक तरह का वेपनाइजेशन है, वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर और वेपनाइजेशन ऑफ एंटायर मॉनेटरी सिस्टम विच अमेरिका हैज़ डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 70 ईयर्स, जहाँ पे उसका कंप्लीट डोमिनेंस है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका ने पूरी दुनिया को फोर्स किया डॉलर को रिजर्व करेंसी रखने के लिए। पूरी दुनिया में ये ट्रस्ट है कि हमारा जो डॉलर करेंसी है वो हमारे मुश्किल वक्त में काम आएगा, हम कभी भी इससे अपने कोई भी इम्पोर्ट को परचेज कर सकते हैं। लेकिन रातों रात अमेरिका ने रशिया के फॉरेक्स रिजर्व को सीज कर लिया। दोस्तों, रशिया का लगभग 630 बिलियन डॉलर का रिजर्व था, जिसमें से लगभग 300 बिलियन डॉलर्स यूरो और यूएस में थे, जिसको अमेरिका ने सीज कर दिया, फ्रीज कर दिया। और पहली बार अमेरिका ने रशियन सेंट्रल बैंक के ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाई है। ये एक बहुत ही बड़ा सैंक्शन रिजीम है जो पहली बार किसी बड़े कंट्री, किसी बड़ी इकोनॉमिक पावर के अगेंस्ट में लगाया गया है, और इसके बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेरिका जब सैंक्शन लगा रहा था तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी कि रशिया के ऑयल और गैस, जो उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, उसको कैसे बैन किया जाए, क्योंकि रशिया का ऑयल और गैस सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज यूज करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। इनफैक्ट इंडिया जितना एनर्जी रिसोर्सेज पर बाहरी रूप से डिपेंडेंट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा यूरोपियन यूनियन एनर्जी इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है, और उसके एनर्जी इंपोर्ट का मोर देन 50% हिस्सा रशिया से आता है। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता थी कि इस पूरे सैंक्शन रिजीम में यूरोपियन यूनियन कैसे अमेरिका का साथ दे। तो इन लोगों ने रशिया के ऑयल और नेचुरल गैस के सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स पर सैंक्शन लगा दिए। रशिया के कई सारे बैंकों को स्विफ्ट पे ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन कुछ बैंकों को, जैसे गैज़प्रोम बैंक, सेबर बैंक, इनको छोड़ दिया गया था, क्योंकि ये मोस्टली एनर्जी सेक्टर से डील करते हैं और यूरोपियन यूनियन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इन बैंकों को और इस सेक्टर को सैंक्शन के रिजीम से बाहर रखा गया। हालांकि अमेरिका ने खुद अपने एंड पर रशिया के ऑयल और नेचुरल गैस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। अमेरिका की कुछ खास डिपेंडेंसी रशियन ऑयल और गैस पर नहीं है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर खुद है और उसे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है एनर्जी रिक्वायरमेंट की बाहर से, इसलिए अमेरिका के लिए बड़ा आसान स्टेप था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन से ये सैंक्शन लगाया गया है, उसी दिन से वेस्टर्न एनालिस्ट और वेस्टर्न अलायंस के जो डिप्लोमैट्स हैं, जो इनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, वो मानकर चल रहे थे कि रशिया की इकोनॉमी विद इन अ वीक क्रम्बल कर जाएगी, बिखर जाएगी, गिर जाएगी। जो उनका रूबल है वो प्री वॉर पीरियड में 75 से 80 रूबल पर डॉलर का रेट चल रहा था। वेस्टर्न एनालिस्ट का मानना था कि ये रूबल जो है विद इन अ वीक 200 रूबल्स पर डॉलर के रेट पर आ जाएगी और रशिया की पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। वेस्टर्न कंट्रीज के जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन लोगों ने रशिया से अपने आप को पुल आउट कर लिया। यहाँ तक कि मैकडोनल्ड्स के बारे में भी आपने सुना होगा कि इन लोगों ने पुल आउट कर लिया। तो अमेरिका के बारे में ये कहा जा सकता है कि इनका जो असेसमेंट है दूसरे कंट्रीज के रेस्पेक्ट में, वो इतना पुअर है। ये समझते हैं कि एक हैमबर्गर और एक चीज बर्गर के लिए रशियन पीपल, रशियन जनता व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, विद्रोह कर देगी। तो ये बड़े ही अनाड़ी लोग हैं। फिर ईस्टर्न सिविलाइजेशन में रशिया, चाइना, इंडिया, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो मदरलैंड और फादरलैंड के प्रोटेक्शन के लिए और अपने इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के आर्थिक समझौते के लिए तैयार नहीं है। ये वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं है कि अपने कैपिटलिस्ट गेन्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए ये अपने देश को भी बेच सकते हैं, जैसा हमने देखा था ट्रेड वॉर के दौरान कि कैसे पूरा वॉल स्ट्रीट और पूरी अमेरिकन कॉरपोरेट लॉबी चाइना की गोद में बैठी हुई है अमेरिकन इंटरेस्ट्स के खिलाफ,
और आज भी बैठी हुई है। इनकी आवाज़ नहीं निकलती है उइघुर मुस्लिम्स पे। पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटेरियनिज्म का प्रचार करते रहते हैं, प्रसार करते रहते हैं, आवाज़ें उठाते रहते हैं। चाइना की बात आती है तो इनकी घिघी बन जाती है। लेनिन ने एक बार कहा था कि डोंट वरी अबाउट दी सैंक्शंस फ्रॉम कैपिटलिस्ट कंट्रीज। ये इतने गए गुजरे हैं और ये इतने प्रॉफिटियरिंग नेचर के हैं कि हमें वो रस्सी भी बेच देंगे जिससे हम इनके लिए फांसी का फंदा बनाएंगे। तो इस लेवल पे हैं अमेरिकन्स। वो समझते हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शन से आम रशियन जनता जो है वो पुतिन के खिलाफ होके विद्रोह कर देगी। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वेस्टर्न एनालिस्ट्स हैं, ये जो वेस्टर्न मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो उसकी बिग टेक कंपनीज़ हैं, जिन्होंने पेंटागन, CIA और अमेरिकन पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट के वॉइसेस को एम्पलीफाई करके पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की उस नैरेटिव को कि बस रशिया तो एक सप्ताह के अंदर घुटनों पे आ जाएगा, मुझे बिल्कुल ये सारे लोग और इनसे जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो लोग मुझे चिकन्स की तरह लगते हैं जो पोल्ट्री फार्म्स में होते हैं, जिन्हें एक ही तरह का खराब क्वालिटी का फीड दिया जाता है, वो चुगते रहते हैं उसको और उसी में वो एकदम मदमस्त रहते हैं और वहीं से वो सारा इन्फॉर्मेशन कैटर करते हैं। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर टेकिंग देयर ओन शिट, जैसा चिकन्स करते हैं। तो बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल पोल्ट्री फार्म है पूरी दुनिया, जिसमें इस तरह के जो चिकन्स अमेरिकी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया से अपने इन्फॉर्मेशन को लेकर अपने एनालिसिस करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं और फिर वो अपने आप को बहुत बड़ा एनालिस्ट बताते हैं। तो इन सभी लोगों ने एम्पलीफाई किया अपने नैरेटिव को कि बस रशिया तो घुटनों पर आ जाएगा। और आज की तारीख में दोस्तों मैं बता दूं कि रशियन रूबल फर्स्ट वीक में जरूर 120-130 रूबल पर डॉलर के रेट पर चला गया था, पर आज रूबल स्टेबलाइज हो गया है। रूबल का आज जो रेट है वो 83-84 रूबल पर डॉलर हो चुका है। ये लगभग प्री वॉर स्टेज में पहुंच गया है, क्योंकि रशिया के जो प्रिपरेशंस थे सैंक्शंस को लेकर वो 2014 से चले आ रहे हैं और रशिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए पोस्ट 24 फेब 2022। उसने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, फॉरेन करेंसी को बाहर जाने से रोका, और भी बहुत सारे स्टेप्स उसने लिए हैं। और खासकर जो अभी लेटेस्ट स्टेप है, जिसमें 26 मार्च को रशिया ने गोल्ड को परचेज करने की बात की है, फिक्स्ड रूबल रेट पर रशियन सेंट्रल बैंक गोल्ड परचेज कर रही है, उससे रूबल और भी ज़्यादा स्टेबलाइज बल्कि और पावरफुल होने के आसार हैं उसके। तो ये एक एस्पेक्ट है करेंसी से रिलेटेड कि रूबल जो ये मानकर चल रहे थे कि गिर जाएगा, वो और स्ट्रेंथन हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, बेहतर हो रहा है। दूसरी चीज़ एनर्जी की, जो हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी के मसले पर, देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि रशिया एनर्जी प्रोड्यूसर कंट्री है। नेचुरल गैस और ऑयल में रशिया बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ऑयल की अगर बात करें तो लगभग 11% दुनिया के प्रोडक्शन में रशिया की भागीदारी है, वो एक्सपोर्ट करता है। उसी तरह से नेचुरल गैस का 17% दुनिया का रशिया प्रोड्यूस करता है और रशिया का सबसे बड़ा मार्केट यूरोप है। मैंने जैसा बताया कि यूरोप का मोर देन 50% का कंजम्पशन ऑयल, नेचुरल गैस और ऑयल प्रोडक्ट्स रशिया से होता है। तो यूरोपियन यूनियन के लिए इतना आसान नहीं है टू से बाय बाय टू रशियन गैस और अल्टरनेटिव एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएं रातों रात या कहीं दूसरे मार्केट से जाके परचेस कर लें, ये इतना आसान नहीं है। और इसीलिए फर्स्ट फेज में जब हमने सैंक्शंस को देखा तो बड़ी चालाकी से अमेरिका और यूरोप ने बाकी सारे सेक्टर्स को सैंक्शन कर दिया लेकिन एनर्जी सेक्टर को नहीं किया। आप उसी समय में देख रहे होंगे कि किस तरह से इंडिया ने रशिया से डिस्काउंट पर ऑयल परचेज किया था और अमेरिका और यूरोप के लोग इंडियंस को ताने दे रहे थे, मोरालिटी का पाठ पढ़ा रहे थे। तो ये कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं उससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे मसले को आप देखिए, जब किसी इकॉनमी में, ग्लोबल इकॉनमी में 11% ऑयल और 17% नेचुरल गैस कोई कंट्री प्रोड्यूस करती है और रातों रात अगर आप उसको बैन कर देंगे तो पूरी दुनिया में प्राइसेस को लेकर एक उथल पुथल मच जाएगी। आपने शुरू के दो वीक्स में देखा होगा कैसे ऑयल जो है वो 120-130 डॉलर पर बैरल के रेट पर चला गया था, जो अब रिड्यूस होके कुछ हद तक बिलो 100 डॉलर्स में आया है। तो अगर आप एक कंट्री जो अच्छा खासा सप्लाई करती है, अगर उसकी सप्लाई को अगर आप रोक रहे हैं तो उसे आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। जो प्रोडक्शन 10% 12% और 15% का प्रोडक्शन अगर रशिया कर रहा है और अगर आप उसके प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं आने देना चाहते हैं, बैन करके रखना चाहते हैं, तो उतना ही अमाउंट आपको दूसरी जगह से प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देखें अमेरिका किस तरह से दूसरे कंट्रीज़ के पास भाग रहा था। वो सबसे पहले जो है सऊदी अरेबिया और UAE के पास गया कि भाई आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि बाय बाय, हम आपसे बात नहीं करते हैं। उन्होंने अमेरिका को जो है मना कर दिया।
यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान ने तो व्हाइट हाउस का फ़ोन लेने से मना कर दिया। उसी तरह से यूएई के जो रूलर हैं उन्होंने भी जो है इससे इनकार कर दिया कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन क्या था अमेरिका के पास? तो अमेरिका वापस ईरान की तरफ देखता है कि ठीक है, ईरान में सैंक्शंस लगे हुए थे जो ट्रंप के ज़माने में लगे हुए थे, तो हम इस सैंक्शंस को उठा लेंगे, अब न्यूक्लियर डील जो है कंप्लीट कर लेंगे मसौदा, और ईरानियन तेल और गैस को मार्केट में लेकर आएंगे। पर वो भी इतना आसान नहीं है, वो भी एक जटिल मुद्दा है और वो फंसा हुआ है, कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें, सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट्स हैं, ईरान के भी जो है अपने इंटरेस्ट हैं, और इसराइल और सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका जो है ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील करे और उस पर से सैंक्शंस हटाए। तो अमेरिका को वहाँ भी अपने बैलेंस को मिलाकर देखना पड़ेगा, क्या वो ईरान का हाथ पकड़ना चाहता है? ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा वो ईरान के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा तो सऊदी अरेबिया जो उसका पार्टनर है, इवन इसराइल इस पक्ष में नहीं है कि ईरान के साथ बेहतर रिलेशंस किए जाएं। तो ये एक एस्पेक्ट है। तीसरे, अगर आप देखें तो ये भाग भाग कर वेनेजुएला भी गए, जिनको ट्रंप के पहले और ट्रंप के दौरान भी काफ़ी सैंक्शंस लगाए गए और अभी भी वो कंट्री सैंक्शन में है। अब वहाँ सैंक्शन हटाकर उसके क्रूड ऑयल को लेने की संभावना जताई जा रही है। तो वो बहुत ही टेढ़ी खीर है। आप प्रोडक्शन को जो है इस तरह से रातों रात नहीं बढ़ा सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग ओपेक कंट्रीज़ हैं जिनका अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है, उसको भी आप रातों रात नहीं बढ़ा सकते हैं। बल्कि आप कई सेक्टर्स में देखें तो परेशानियां बढ़ ही रही हैं। सऊदी अरेबिया में ही अरामको फील्ड में आप देखें तो यमन के लड़ाके जो है वो रोज़ रॉकेट मार रहे हैं, और अभी 3 दिन पहले जो बहुत बड़ा रॉकेट बैराज हमला हुआ उसमें अरामको फील्ड का एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है आग में चला गया और प्रोडक्शन बाधित हुआ है। इस तरह से प्रोडक्शन बाधित होगा, ऑयल प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, रशिया की जो स्थिति है वो और मजबूत होगी। अब यहाँ पे खेल है रशिया का। रशिया भी इन लोगों के गेम को समझ रहा है और रशिया अपने स्ट्रेंथ को भी समझ रहा है कि बिना रशिया के ऑयल और नेचुरल गैस के यूरोपियन यूनियन के देश अपनी इकोनॉमी को नहीं चला सकते हैं। वहाँ रिसेशन आ जाएगा, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं उनकी लिबरल डेमोक्रेसीज़ खतरे में आ जाएंगी, राइटिंग शुरू हो सकती है, कई तरह की समस्याएं यूरोप को हो सकती हैं, ख़ासकर तब जब यूक्रेन से इतनी बड़ी आबादी माइग्रेट करके जा रही है यूरोप में, और मिडिल ईस्ट में सीरिया वॉर के बाद पहले से ही बहुत बड़ी इमिग्रेंट आबादी जो है यूरोप में बस रही है और वहाँ कई तरह के सोशल फ्रिक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जब आर्थिक स्थिति और गंभीर होगी तो पॉलिटिकल सिस्टम ब्लास्ट कर जाएगा। तो रशिया ने इसमें बड़ी चालाकी दिखाई और रशिया की सबसे पहली कोशिश है कि जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है, जो अमेरिका है और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और ख़ासकर यूरोपियन नाटो कंट्रीज़, इनके बीच कैसे दरार डाला जाए। और इनके बीच दरार डालने की सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है एनर्जी रिसोर्सेज। जैसा मैंने बताया, यूरोपियन यूनियन एनर्जी पर फुली डिपेंडेंट है और ये एनर्जी मैक्सिमम रशिया से आती है। तो फर्स्ट फेज ऑफ सैंक्शन में ही ये दरार पहले दिख गई कि अमेरिका को मजबूरन अलाउ करना पड़ा कि रशिया के ऑयल और गैस सेक्टर को सैंक्शन में नहीं रखा जाए। लेकिन रशिया की स्थिति जो है सिर्फ इतने से काम चलने वाली नहीं है। अभी 24-25 मार्च को ब्रसल्स में नाटो की बैठक हुई, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूरोप के सभी नेताओं से मिले। G7 की भी बैठक हुई, यूरोपियन यूनियन की भी बैठक हुई, नाटो की भी बैठक हुई। एक कोशिश हुई दिखाने की कि ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप और नाटो बहुत मजबूत है और रशिया के इस अग्रेशन के खिलाफ ये लोग जो है पूरी मजबूती के साथ उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और किसी तरह का सैक्रिफाइस कर सकते हैं। उसमें अमेरिका ने एक प्रपोजल भी दिया है यूरोप को कि आप हमारे लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लीजिए, हम आपके एनर्जी को कंपनसेट करेंगे, जो आप रशिया से लेते आए थे वहाँ आप रोकें, हम आपको एलएनजी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, एलएनजी प्रोवाइड तो अमेरिका कर सकता है, लेकिन वो एक सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एलाबोरेट हैं। यूरोपियन यूनियन के अभी तक जितने भी देश हैं वो सभी रशिया के पाइपलाइन गैस पर डिपेंडेंट रहे हैं। एलएनजी के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म क्रिएट करने होते हैं, वो प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर अभी यूरोप में नहीं है, उसको बनाने में 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे और एलएनजी का जो पूरा इंपोर्ट है अमेरिका से वो काफ़ी कॉस्टली होगा, तो ये इतना आसान नहीं है। इस बीच में नाटो और ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप के बीच में एक दरार डालने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने एक नई चाल चली और उन्होंने कहा कि भाई, हम मुफ्त में यूरोप को ऑयल और नेचुरल गैस नहीं देने वाले। उनका कहना था कि आपने डॉलर और यूरो रशिया के लिए बैन कर रखा है, आज की तारीख में नेचुरल गैस और ऑयल यूरो में प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉलर में प्रोवाइड कर रहे हैं,
जो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये डॉलर और यूरो मेरे लिए कागज का टुकड़ा है, तो मैं इसे क्यों लूं? तो पुतिन और रशिया ने एक डिसीजन लिया है और उसे कन्वे किया है यूरोप को कि अब से जो भी नेचुरल गैस और ऑयल यूरोप को दिया जाएगा, यूरोप की कंपनियों को उसके लिए रूबल पे करना है। दोस्तों, इससे बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है यूरोप में। यूरोप के फॉरेन मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स का कहना है कि रशिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ऑयल और नेचुरल गैस की जो सप्लाई कंपनीज टू कंपनीज होती हैं, रशियन कंपनीज, गैज़प्रॉम, यूरोप की कई कंपनीज हैं जिनको देती हैं, इनके बीच एक मसौदा होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं 3 साल 5 साल 10 साल के लिए कि हम इस प्राइस पर इस पर्टिकुलर करेंसी में इतनी क्वांटिटी आपसे परचेज करेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। तो यूरोप के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो कॉरपोरेट लॉबी है, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है कि नहीं नहीं, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, रशिया ऐसे कैसे कर सकता है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि मीडिया में भी इस चीज़ को कभी बोला नहीं जाता है, क्योंकि वो इतने बड़े पिट्ठू हैं इनके। जब आपने यूनिलैटरल सैंक्शन लगा दिया है किसी कंट्री के खिलाफ और उस पर बैन लगा दिया है कि वो यूरो और डॉलर उसके लिए दरवाजे बंद हैं, तो जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं तो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को जो है रिस्पेक्ट करेगा। तो रशिया ने क्लियर कट इनको बोल दिया है कि अगर आपको ऑयल और गैस चाहिए तो आप मुझे रूबल में पे कीजिए, वरना हम आपके लिए कोई फिलान्थ्रोपी नहीं करने वाले हैं, मुफ्त में हम आपको नहीं देने वाले हैं। अब इसके जवाब में जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर और ईयू के भी कई सारे डिप्लोमेट्स ने क्लियरली कह दिया है कि ये संभव ही नहीं है कि रूबल में यूरोप पे करेगा, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट डॉलर और यूरो के हैं उसी में पे करेगा, हम रूबल में पे नहीं करेंगे। तो रशिया ने इसको क्लियर कट मना कर दिया है। अब चूंकि ये समस्या आ गई है तो यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज कतर से बात कर रहे हैं कि भाई आप अपना गैस प्रोडक्शन बढ़ाइए, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज से बोल रहे हैं कि अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाइए ताकि हम आपके यहाँ से लें, हम रशिया से तेल और गैस नहीं लेंगे। अब यहाँ एक और मज़ेदार बात है, ये बड़ी छोटी छोटी इंटरनल बातें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो क्या है कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़ अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़, खासकर सऊदी अरेबिया, यूएई, ये बहुत हद तक रशिया के ज़्यादा नज़दीक दिख रहे हैं। अब यहाँ ओपेक प्लस पार्टनरशिप भी है जिसमें ये कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट के रशिया को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। तो इनका कहना है कि जितना गैस और तेल यूरोप रशिया से लेता है, मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री इतनी सक्षम नहीं है कि उस पूरे गैस और तेल को कंपनसेट किया जा सके प्रोडक्शन को बढ़ाकर, तो ये संभव नहीं होगा। दूसरी बात ये है, यूरोपियन यूनियन तात्कालिक रूप से चाहता है कि मिडिल ईस्ट के प्रोड्यूसर्स उसकी ये भरपाई कर दें, उसको तेल और गैस दे दें। मिडिल ईस्ट प्रोड्यूसर्स ये देख रहे हैं कि आज यूरोपियन यूनियन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मेरे से गैस और तेल लेना चाहता है, जबकि मेरा जो एशियन मार्केट है, इंडिया, चाइना, जो बहुत ही एनर्जी हंग्री और कंसिस्टेंट कंट्री है, जिसको लंबे समय तक हमसे एनर्जी और गैस और तेल चाहिए, तो हम अपने इतने बड़े मार्केट को, एग्जिस्टिंग मार्केट को, रिलायबल मार्केट को छोड़कर यूरोप के पास जाएं, जिसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि विद इन 5 to 10 years उसको अल्टरनेट एनर्जी में जाना है। तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इस चीज से भी जो है वो दूर हटना चाहते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया अमेरिका से इतना नाराज है और वो चाइना से इतना नजदीक होता दिख रहा है, जो मैंने करेंसी वॉर की बात की थी आपसे, पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है। पिछले 6 साल से ये टॉक्स चल रहे थे चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में कि आप अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को युआन में डिनोमिनेट करके ट्रेड करें मेरे साथ, तो वो मसौदा शायद अब तैयार हो जाएगा। एक मीटिंग हुई थी जिसमें सऊदी अरेबिया इन प्रिंसिपल अब अग्रीमेंट में आ रहा है चाइना के साथ कि अब वो अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को युआन डिनोमिनेटेड रखने की उसमें संभावना है। तो दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट फॉर अमेरिका और वो काफ़ी थ्रेटेंड भी हैं इससे। तो ये पूरा सैंक्शन जो है वो बैकफायर करता हुआ दिख रहा है। दुनिया भर के जितनी कंट्रीज़ हैं वो सहम उठी हैं अमेरिका के इस तरह से फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ ट्रस्ट को लेकर, काफ़ी चिंतित हैं। सबसे पहले इन लोगों ने वेनेजुएला के गोल्ड को फ्रीज़ किया था, आपने ईरान के फॉरेक्स रिजर्व को भी फ्रीज़ किया, और अभी हाल में आपने अफगानिस्तान के $8 billion को फ्रीज़ कर लिया। देखिए, ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं और इनकी अपनी बहुत सारी डोमेस्टिक समस्याएं भी रही हैं, जहां पे आप जस्टिफिकेशन देकर बच सकते हैं, अमेरिका बच सकता है, लेकिन इतनी बड़ी कंट्री रशिया
ग्यारहवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा कमोडिटी पावर हाउस जो दुनिया भर में जो है ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, अगर आप उसको इस तरह से फ्रीज करेंगे, बैन करेंगे, उसके रिजर्व को चोरों की तरह जब्त कर लेंगे, तो कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका विल बी थ्रेटन्ड टू कीप देयर रिजर्व्स इन डॉलर टर्म्स। वो नहीं रखना चाहेंगे। अब पूरी दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, वो सभी सेंट्रल बैंक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ देखने लगे हैं कि ठीक है, डॉलर कुछ रख लेते हैं, कुछ अदर करेंसीज भी रखते हैं, कुछ युआन भी रख लेते हैं। आप देखें कि इसराइल तक जो है वो लगभग $1-2 billion अपने रिजर्व में युआन रखा है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, चूंकि अब युआन भी एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी की तरह 2018 से बिहेव करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से अमेरिका ने इस सैंक्शन को लगाकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि पूरे यूरोप में और अमेरिका में ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। ये पहले भी बढ़ रहे थे पैंडेमिक के कारण। पैंडेमिक में प्रोडक्शन लेवल कम हो गया, लेकिन पैंडेमिक में डिमांड भी कम हो गया था, इसलिए प्राइस बैलेंस हो गया। जैसे जैसे लॉकडाउन्स खुलने शुरू हुए और डिमांड बढ़ना शुरू हुआ, प्रोडक्शन उस लेवल पे मैच नहीं कर पा रहा था और हर जगह प्राइसेस बढ़ रहे थे, हर जगह इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। अब जब आपने रशिया के इतने बड़े सेक्टर को एक तरह से बैन कर दिया है, इतने बड़े अमाउंट को अगर आपने मार्केट से रातों रात बाहर कर दिया है, तो उससे जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है वो यूरोप और अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इस लेवल पे इकोनॉमिक सैंक्शंस बैकफायर कर रहे हैं। इसका प्रभाव न सिर्फ यूरोप और अमेरिका में, इसका प्रभाव चाइना में, इसका प्रभाव इंडिया में और दुनिया के वो हर सभी देश, क्योंकि आज सभी देश एनर्जी डिपेंडेंट हैं, आज सभी देशों में एनर्जी कंजम्पशंस जो हैं वो हायर लेवल्स पे हैं, और अगर एनर्जी की प्राइसेस बढ़ेंगी तो दुनिया में हर देश में महंगाई जो है वो आसमान पर जाएगी। और दोस्तों, जब भी महंगाई बढ़ती है, समाज में अस्थिरता आती है, विद्रोह होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम टूटता है और कई तरह की नई चीज़ें सामने आती हैं जो काफ़ी अनसर्टनिटी को प्रोड्यूस करती हैं। ये तो रही एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि रशिया सिर्फ ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूसर ही नहीं है। रशिया बहुत सारी चीज़ें, बहुत मिनरल्स, बहुत सारी अदर नेचुरल कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करता है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। आप निकल को देख लें, पैलेडियम को देखें, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, कॉपर, रशिया इन सभी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। आप निकल में ही आप देखें, अगर निकल के एक्सपोर्ट को अगर रोक दिया जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम बढ़ने लगे। निकल के ही एक्सपोर्ट को बैन करने का नतीजा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम अमेरिका और यूरोप में बढ़ने लगे हैं, क्योंकि निकल उनके बैटरी में लगता है। पैलेडियम जो रशिया एक्सपोर्ट करता है, उसको रोकने के कारण जर्मन कार इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्रभावित हो गई हैं, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर के रूप में काम करता है पैलेडियम, वो कई तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में लगता है। जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है वो भी निकल और नियॉन के कारण प्रभावित हो रहा है। नियॉन जो है वो सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। नियॉन का प्रोड्यूसर जो है यूक्रेन और रशिया है, दोनों जगह वॉर चल रही है, एक पर बहुत ज़बरदस्त सैंक्शन है, तो इससे सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग पर भी इफ़ेक्ट आएगा। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, कॉपर, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आप देखें कि महंगाई कमोडिटीज़ की आसमान छू रही है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को प्रभावित कर रही है, महंगाई को ला रही है और हो सकता है आने वाले समय में रिसेशन को भी जन्म दे दे। तीसरा एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फूड शॉर्टेज से रिलेटेड, जिसे अब जो बाइडेन भी स्वीकारने लगे हैं। पहली बात तो ये कि रशिया और यूक्रेन दुनिया के 25% वीट प्रोड्यूसर हैं और वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। कॉर्न में भी वो लगभग 20% का बड़ा प्रोड्यूसर है। पूरा मिडिल ईस्ट, टर्की, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, इनके वीट पर डिपेंडेंट है। आप देख लीजिए कि वीट के प्राइसेस रातों रात मिडिल ईस्ट में बढ़ने शुरू हो गए हैं। टर्की में भी वीट के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। रोमानिया ने इसको देखते हुए अपने वीट एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया है। तो ये फूड ग्रेन शॉर्टेज की क्राइसिस और भी कंपाउंडिंग होने वाली है फ्यूचर में। इसके साथ ही फर्टिलाइजर में भी, खासकर पोटैश में, रशिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। फर्टिलाइजर के प्राइसेस को अगर आप पिछले 30 साल को देखेंगे तो पिछले 30 साल से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वॉर के पहले ही फर्टिलाइजर के प्राइस डबल और ट्रिपल थे, अब वो 4 गुना और 5 गुना बढ़ गए हैं और फर्टिलाइजर का प्राइस आसमान पे जा चुका है। तो दोस्तों, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ने का दो ही नतीजा होगा, जिनके पास फर्टिलाइजर हायर प्राइसेस पे अवेलेबल हैं वो उसका यूज़ तो करेंगे लेकिन फूड प्रोड्यूस को बहुत महंगा कर देंगे, और जिन कंट्रीज़, जिन ग्लोबल साउथ कंट्रीज़, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं,
जहां पे सबसे ज्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, अगर उनके पास फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं होगा तो उनका फूड प्रोडक्शन नीचे आ जाएगा। इसका नतीजा होगा जबरदस्त फूड प्राइस इन्फ्लेशन और उसमें जबरदस्त महंगाई। तो दोस्तों, आप देख लीजिए कि जो बाइडेन की इस बेवकूफी ने पूरी दुनिया को किस तरह से रिसेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, आप जो नाम देना चाहें, आने वाले समय में कुछ भी होने की संभावना है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनकी इस बेवकूफी से पूरे इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में चेंज आने की संभावना है। जो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं वो खुद ही से तोड़ रहे हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल रोल प्ले करते थे, उसका वेपनाइजेशन करके अब ये मजबूर कर रहे हैं कि बाकी के कंट्रीज कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था करें। अगर अल्टरनेटिव व्यवस्था होगी तो दुनिया दो हिस्से में बट जाएगी, यानी आपने इंटरनेशनल सिस्टम को खुद ही ब्रेक किया। तीसरी और सबसे अहम चीज़ कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से होने वाले सोशल डिस्टर्बेंसेस और पॉलिटिकल सिस्टम को होने वाले नुकसान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी हो, जब महंगाई बढ़ती है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, तो किसी भी तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को उससे नुकसान होने की आशंका होती है। तो आने वाले समय में हम बहुत सारे चेंजेस को देखने वाले हैं, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक अमेरिका अपने डॉलर डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए किस तरह से इस वॉर को प्रोजेक्ट किया, किस तरह से मजबूर किया कि ये वॉर हो, और किस तरह से आप देख लीजिए कि पिछले एक महीने में अमेरिका सिर्फ इस फाइट को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो जिस तरह से ज़ेलेंस्की जैसे नमूने को वेस्टर्न प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, CIA अपने टॉकिंग पॉइंट्स उसे देकर पूरी दुनिया में उससे बुलवाया जा रहा है, वो सारा खेल दूसरी कंट्रीज देख रही हैं। ज़ेलेंस्की जैसे बेवकूफ की बेवकूफियों को भी वो देख रही हैं कि कैसे अमेरिका जैसी कंट्री का पिट्ठू बनके अपने पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये साफ साफ दिख रहा है। आप देख लीजिए कि पिछले 1.5 महीने में ब्लिंकन ने कोशिश तक नहीं की है कि वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात करे। कहीं से भी अमेरिका ने कोई कोशिश नहीं की है कि वो रशियन हेड ऑफ स्टेट से, पुतिन से, या गवर्नमेंट से, या डिप्लोमेटिक लेवल पर अमेरिका बात करे। क्यों? वो नहीं चाहते हैं कि ये जो एस्केलेशन है, ये जो वॉर है, ये रुके। वो चाहते हैं कि ये एक इंसर्जेंसी का रूप ले ले, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स एंड अम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं। वो वार्ता के टेबल पर आना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट यूक्रेन भी जो वार्ता के टेबल पर आता है तो उसे पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं और सही तरीके से नेगोशिएशंस को कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं। तो ये अमेरिकन साजिश दिख रही है कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि अमेरिकन्स आर टेकिंग लीस्ट इंटरेस्ट इन डिप्लोमेसी और पूरी तरह से फाइनेंशियल वर्ल्ड को वेपनाइज करके रशिया को और चाइना को और इवन इंडिया को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके पीछे डॉलर है और डॉलर के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो लोग भी इसका जो मूल्यांकन किसी तरह करना चाहें, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, अमेरिका जो है वो आर्म्स एंड अम्यूनेशन यूरोप को बेचना चाहता है, या डेमोक्रेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि रिपब्लिकन्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल है, देखिए ये सब एक हैं। जहाँ अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट और हेजमनिक इंटरेस्ट आते हैं, अमेरिका के सारे एलिमेंट्स, बिग टेक कंपनी से मेन स्ट्रीम मीडिया से डेमोक्रेटिक पार्टी से रिपब्लिकन पार्टी से CIA पेंटागन, सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं, एक ही सुर में बात करते हैं। इनके लिए डॉलर इनका माई बाप है। इस डॉलर की तरफ जिसने भी आंख उठाई वो वॉर छेड़ देंगे और उसके अलावे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो दोस्तों, मेरी कोशिश थी कि एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको इसके माध्यम से दे सकें। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि किस तरह से रशिया और चाइना एक ऑल्टरनेट करेंसी की तरफ देख रहे हैं जिसे ग्लोबल करेंसी बनाया जा सके। मैंने सर्जेई ग्लाजियेव के बारे में बताया था कि कैसे यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन में रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, चाइना, ये सभी मिलके एक ऐसी करेंसी बनाना चाह रहे हैं जो उन देशों के बीच में ट्रेड होने वाले कमोडिटीज़ का वेटेड एवरेज हो, प्लस वो लोकल करेंसीज़ का एक वेटेड एवरेज हो। जिस तरह से IMF में स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDRs हैं, उस तरह की एक ग्लोबल करेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत हो जिसमें किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की डिपेंडेंसी ना हो, किसी पर्टिकुलर कंट्री का हेजमनी ना हो, एक ऐसी करेंसी क्रिएट की जाए।
तो उसकी तैयारी चल रही है। प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में चाइना और रशिया इस तरह के कुछ अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, और यही कारण है कि चूंकि एक नया मॉनेटरी वर्ल्ड शायद हम एक महीने, दो महीने, छः महीने या एक साल में देख सकते हैं कि वो नज़र आए हमें, और चाइना और रशिया उसमें एक बड़े पार्टिसिपेंट हों। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइना बहुत तेज़ी से इंडिया की तरफ जो है नरमी का रुख दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का अनएक्सपेक्टेड विजिट हमने देखा, जहां पे कोई डिस्कशन नहीं था कि उन्हें आना है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और वो खुद आए और चर्चा हुई भारत के साथ। बहुत डिटेल में क्या चर्चाएँ हुई हैं उसके बारे में तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बताया। इंडिया का अपना स्टैंड ज़रूर है कि बॉर्डर इश्यूज़ को क्लियर करिए और उसके बाद इकोनॉमिक रिलेशंस मेंटेन करें। तो दिस इज़ आल्सो अ वेरी राइट अपॉर्चुन टाइम फॉर इंडिया, कि चाइना की एक मजबूरी है आज के डेट में कि इंडिया को वो साथ लेकर चले। नया कोई भी मॉनेटरी ब्लॉक तब तक नहीं बन सकता है अगर उस मॉनेटरी ब्लॉक में इंडिया या चाइना ना हो। अगर इंडिया या चाइना में से कोई एक भी उस मॉनेटरी ब्लॉक में नहीं है तो आप उस मॉनेटरी ब्लॉक के सक्सेस पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। इसी नज़रिए से चाइना इंडिया को इस पार्टी, इस खेमे में रखना चाहता है, इसीलिए ये ताबड़तोड़ विजिट्स हो रहे हैं। लेकिन इंडिया का भी अपना स्टैंड बहुत क्लियर है, अपने इंटरेस्ट को इंडिया भी बहुत भली भांति समझता है, और अगर ये एक ऐसा समय है जहां पे चाइनीज़ ये महसूस करते हैं कि उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इंडिया को साथ लें, तो हमारे लिए एक अच्छा प्रेशर पॉइंट है जहां हम उन्हें प्रेशराइज करके बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद फ्यूचर के रिलेशंस को किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं उस पर चर्चा की जाए। इंडिया के लिए बहुत अच्छा है कि वो एक ऐसे क्रॉस रोड पे है जहां दोनों खेमों में वो जा सकता है, दोनों खेमों के बेनिफिट्स को उठा सकता है, और इंडिया ये डिक्टेट कर सकता है कि माई वे और हाई वे इंडिया के साथ नहीं चलेगा, आइदर यू आर आर फ्रेंड और यू आर आर एनिमी, ये डायलॉग नहीं चलेगा, और इंडिया दोनों ही सिस्टम से जुड़ सकता है, दोनों ही सिस्टम से फ़ायदा उठा सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि फ्यूचर में किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं। इंडिया के पास अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है और हमें इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी कैपिटल को मिस नहीं करना चाहिए, और शायद हम इसे मिस नहीं भी करेंगे। तो दोस्तों, मेरी कोशिश थी कि सारगर्भित तरीके से और डिटेल के साथ भी कैसे इस पूरे प्रकरण को आपको समझाएं ताकि जियोपॉलिटिक्स को आप बेहतर ढंग से समझ सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ अलग डिस्कशंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।